वीरा की बिल्ड की हुई है ये न्यूगो की बस, और स्काईवेल की ब्रांडिंग आपको स्टेयरिंग पर दिखने को मिल जाएगी, और वोल्वो जैसे ही कंट्रोल से ऑटोमेटिक बस है, आप देख सकते हैं ड्राइव न्यूट्रल एंड रिवर्स, और जो स्पीडोमीटर है वो 140 तक रेस्ट्रिक्टेड है, और बाकी सब थोड़े बहुत बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मिरर को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, और स्काईवेल की ब्रांडिंग जैसे मैंने कहा वो आ जाती है यहाँ पे, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और राइट हैंड साइड में एक्सेलेटर, बीच में ब्रेक, और लेफ्ट में प्रॉपर डेड पैडल भी आपको मिल जाता है, वो देख सकते हैं आप, प्रॉपर डेड पैडल आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है ये। और को ड्राइवर के लिए भी बहुत अच्छी सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे एक LED स्क्रीन आ जाता है जो कि हाल ही में अभी ऑपरेशन में नहीं है शायद, एक CCTV कैमरा न्यूगो ने सेफ्टी पर्पज़ के लिए फिट कर रखा है, और ये जो सीट्स है वो 2x2 पुशबैक हरिता की सीट्स है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लीजिंग ऐसा कलर कॉम्बिनेशन इसका है, और ये दूसरा LED स्क्रीन है और दूसरा CCTV, तो देखिए दो CCTV कैमरे फिट किए हैं न्यूगो ने इस बस में, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 45 बर्थ्स, लास्ट की जो सीट्स है वो रिक्लाइन नहीं होगी, इसकी आप कृपया खबरदारी लीजिए, 11 ABCD, सो 11 × 4 = 44, और बीच वाली 41, सो हो गए 45 सीट्स। यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट है, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा दोनों सीट्स के बीच में, और ये ऐसी सीट रिक्लाइन हो जाती है, लेफ़्ट वाली मैंने आपके लिए कर रखी है, तो आपको दोनों सीट्स में रिक्लाइन मतलब पुशबैक का अंतर पता चल सके, और हर एक जो विंडो है वो इमरजेंसी एग्ज़िट है, अगर आप देख सकते हो तो इमरजेंसी एग्ज़िट हर विंडो पे लिखा हुआ है, और ये विंडो तोड़ने के लिए इमरजेंसी में हैमर दिया हुआ होता है। और AC वेंट्स भी काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे 2 रीडिंग लाइट्स और एक्स्ट्रा 2 लाइट्स भी आ जाते हैं, ऊपर बैग्स वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट है आपको, और अगर AC वगैरह अगर कुछ बंद पड़ जाए तो ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट आपके लिए ओपन कर दिया जाता है, और पीछे की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर है, और लास्ट वाले सीट्स को भी USB केबल्स आपको मिल जाते हैं, फुट रेस्ट आपको मिल जाता है ताकि आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो सके। तो यहाँ पर और आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, मैगज़ीन होल्डर भी मिल जाता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ महाराणा प्रताप, ISBT कश्मीर गेट न्यू दिल्ली, और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस से। आप ही आपके सामने है न्यूगो की इलेक्ट्रिक बस, राजस्थान पासिंग की ये बस है, और इससे हम ट्रैवल करेंगे दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक। डिस्टेंस आप मान के चलिए अराउंड 260 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है, टाइम लगेगा हमें 5 घंटे 5 सवा 5 घंटे। आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक ऐसी ये बस है, इलेक्ट्रिक है, और इसकी जो बॉडी बिल्ड की है वो वीरा ने बिल्ड की है, सो सभी न्यूगो की जो बसेस है वो इसी लाइब्रेरी में आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऐसा मेंशन किया हुआ है। और ये बस जो है एक चार्ज में मतलब सिंगल चार्ज में 350 किलोमीटर जा सकती है। ऊपर की ओर एक रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है, आपको हिंदी में जो LED बोर्ड है उस पर लिखा हुआ आ रहा है, और ये हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ के लिए, और बिफोर टाइम निकाली है इन्होंने बस, 8 बजे का टाइम था और अभी 7:56 हुए हैं, और हम ISBT कश्मीर गेट से रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:12 और हम पहुंच चुके हैं मजनू का किला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बोर्डिंग पॉइंट है उन बसेस के लिए जो नॉर्थ की ओर जाती है, मतलब चंडीगढ़ हो, मनाली हो, उस तरफ जो भी बसेस जाती है
उनके लिए ये महत्वपूर्ण पिकअप पॉइंट है। तो दोस्तों अभी 10:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट 2.5 घंटा चलने के बाद हम अभी रेस्ट स्टॉप के लिए रुकने वाले हैं। और इधर से लेफ्ट हम टर्न करेंगे तो हमारा रेस्ट स्टॉप का जो रेस्टोरेंट है वो आ जाएगा। रेस्टोरेंट का नाम है डिवाइन स्टार और अभी आप अपने सामने देख सकते हैं न्यूगो की ऑलरेडी एक बस वहाँ पर आ चुकी है। वो शायद 7 AM शेड्यूल होगा दिल्ली टू चंडीगढ़। देखिए डिवाइन स्टार फैमिली ढाबा, तो यहाँ पे कुछ 45 मिनट्स बस रुकने वाली है क्योंकि यहाँ पे ये बस चार्ज भी की जाती है ऐसा मुझे उस्ताद जी ने बताया है। तो चलिए अभी कैसे चार्ज वगैरह करते हैं बस को देखा जाए। तो इस बस का जो चार्जिंग सॉकेट है वो पीछे की तरफ है, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बस चार्ज हो रही है। और यहाँ पे जो स्टैंड है, मतलब जैसा अपना डीजल का जो स्टैंड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का ये स्टैंड है, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो बस लगी हुई है वो 81% चार्ज हो चुकी है। और ये है अपनी बस, यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ के जो उस्ताद जी हैं जो ये चार्जिंग का काम संभालते हैं वो हमारी बस को चार्ज करने वाले हैं। देखिए ये आ गया है बड़ा सा चार्जर और हमारी बस लग चुकी है चार्जिंग पे। तो अभी अपनी बस कितने परसेंट चार्ज्ड है वो अभी हम देखेंगे। 60% ऑलरेडी चार्ज्ड है हमारी बस। सो ये बैकअप के लिए ये चार्ज करते हैं यहाँ पर रुक कर। तो दोस्तों अभी आपके सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, लेफ्ट को जाता है अम्बाला और राइट को चंडीगढ़। तो हम अम्बाला बाईपास पर पहुंच चुके हैं, टाइम है 12:05 और ऑन टाइम हम चल रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़
ISBT सेक्टर 43 है, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम सेक्टर 43 ISBT के ठीक सामने हैं और अभी हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। टाइम है 1:18, ऑफिशियल टाइम इनका था 1:15, तो ऑन टाइम ये बस आ चुकी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और न्यू गो में एक बार ज़रूर ट्रैवल कीजिए। इलेक्ट्रिक बस का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है नॉर्मल बसेस से।